हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है, आज हम ये चीज़ सीखेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको पावर पॉइंट खोल लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑफिस बटन है और ये आपका होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। इन सब चीज़ों को यूज करके हम अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे पावर पॉइंट में। तो यहाँ से आप न्यू स्लाइड ले सकते हो। हम यहाँ पे एक नॉर्मल स्लाइड लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं नाम लिख के। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट और टॉपिक यहाँ पे हम डालेंगे, उसके बाद अपना क्लास लिखेंगे, उसके बाद हमारा पहला स्लाइड कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, अपना नाम लिखते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, अनुराग कुमार, जो भी आपका नाम हो यहाँ पे आप टाइप करना। उसके बाद नीचे जाके आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है और इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि जब आप इस स्लाइड बना रहे होते हो तो आपको थोड़ा सा नाम अच्छे से ऊपर, अच्छे से हेडलाइन मतलब कि हाइलाइटेड करके आपको लिखना है। और उसके बाद फिर अपना सब्जेक्ट या टॉपिक को आपको लिखना है, उसके बाद फिर अपना क्लास डाल देना है आपको। यहाँ हम नाम अच्छे से लिख रहे हैं, सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देना है। ब्लैक कलर में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा सा अब हाईलाइटेड दिख रहा है, सब्जेक्ट और क्लास। तो इसी तरीके से इसको आप हाईलाइटेड कर लोगे। अब मैं थोड़ा सा बोल्ड किया और इसको भी बोल्ड कर दूंगा तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। और इसको मैं सेंटर पर एडजस्ट कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। तो अब ये सेंटर पे एडजस्ट हो गया। थोड़ा सा इसे और साइड में आप अपने हिसाब से इसको जैसे कि एडजस्ट करना चाह रहे हो सेट कर लो। बस थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए क्योंकि आपका ये पहला स्लाइड है। तो यहाँ पे आपका नाम, टॉप सब्जेक्ट और क्लास, ये हो गया। और अब हम दूसरी स्लाइड लेंगे। हमारी पहली स्लाइड कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे अपने टॉपिक के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जैसे कि कंप्यूटर है टॉपिक, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ऊपर कंप्यूटर लिखेंगे। कंप्यूटर लिखने के बाद कंप्यूटर के जैसे आपके दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो अब कंप्यूटर के बाद हम अपने उन दोनों पार्ट के बारे में लिखेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। तो अभी हम हार्डवेयर यहाँ पर लिख दे रहे हैं और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमने लिख दिया। और यहाँ पे थोड़ा सा कंप्यूटर को बड़ा करेंगे ताकि अच्छा दिखे। और यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम थोड़ा सा भी इसको भी बड़ा करेंगे क्योंकि अभी ये छोटा दिखो। इसको हमको एडजस्ट कर लेना है, एक साइड हार्डवेयर रखना है और दूसरे साइड आपको सॉफ्टवेयर रखना है क्योंकि कंप्यूटर के दो ही पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ हमने सेट कर लिया, अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए, आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करके यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्राइंग का यूज करेंगे, जैसे कि डाउन एरो। डाउन एरो को यहाँ पे हमने डाउन एरो लगाया और यहाँ पे फिर से हम इसको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करके यहाँ पे अच्छे से सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डाउन ड्राइंग में जाकर फिर डाउन एरो को लेके यहाँ पे भी लगा देंगे एक डाउन एरो सॉफ्टवेयर की तरफ, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। हमारी यहाँ पे स्लाइड कंप्लीट हो गई। अब हम तीसरी स्लाइड पे आते हैं। तीसरी स्लाइड हमको बनाना है जैसे कि कंप्यूटर के दो पार्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हम लेंगे हार्डवेयर का। हमको अब यहाँ पे हार्डवेयर के बारे में बताना है क्योंकि जब आप स्लाइड शो करके आप अपना टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब करोगे तो वहाँ पे आपको एक एक स्लाइड नेक्स्ट करते चले जाना है, वहाँ पे उस टॉपिक को डिस्क्राइब करना है। तब यहाँ पे हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर के जैसे क्या क्या पार्ट होते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे भी अब हम देखो हार्डवेयर के बारे में सारा चीज़ लिख दिए, जैसे रैम, मदरबोर्ड, SMPS, प्रोसेसर, CPU, फाइव मोनिटर, ये सब हमारा हार्डवेयर है। अब न्यू स्लाइड लेंगे और उसमें भी हम अब सॉफ्टवेयर के बारे में लिखेंगे। तो जैसे हमने हम हार्डवेयर के बारे में लिखा, उसी तरीके से हम सॉफ्टवेयर के बारे में लिखेंगे क्योंकि जब आप डिस्क्राइब करोगे तो एक एक टॉपिक के बारे में आपको बताना पड़ता है प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर के बारे में भी उसी तरीके से टाइप करके लिख देंगे। आप यहाँ पे अभी मैंने बता दिया पिछले में स्लाइड में, जैसे बड़ा करना छोटा करना, वैसे आप इसको यहाँ पे एडजस्ट करके अपना बना लो। अब
सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमने यहाँ पे सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों को यहाँ पे लिख देंगे और हमारा यहाँ पे ये भी स्लाइड कंप्लीट ही हो गई। अब हम इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, तो न्यू स्लाइड हमको लेना पड़ेगा उसके लिए। तो हम यहाँ पे न्यू पे जाके न्यू स्लाइड ले लेंगे और यहाँ पे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखेंगे। और इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे कि हमने अभी तक पिछले स्लाइड में लिखा है, उसी तरीके से हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में भी लिख देंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज 10, 7 और लाइनक्स, मैक और एंड्रॉयड, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हम इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर को यहाँ पे लिखेंगे विंडोज 10, 7, 8, इन सबको हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपका आता है मैक ओएस, और उसके बाद लाइनक्स आएगा आपका। ये आपके सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि जब कंप्यूटर बनके तैयार होता है सबसे पहले इन्हीं को डाला जाता है, तभी वो ऑपरेट करने लायक होता है। और ये एंड्रॉयड भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो अब इसको हम थोड़ा से डार्क कर देंगे। ये आपका टॉपिक तैयार हो गया, इसको आप जैसे अभी तक एडजस्ट कर रहे थे उसी तरीके से इसको भी आप एडजस्ट कर लोगे। हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर वाली भी स्लाइड तैयार हो गई। अब उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा बुलेट का यूज कर ले रहे हैं। बुलेट यूज करने पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, तो आप जितनी अच्छी स्लाइड बनाएंगे थोड़ा सा आज आसान नहीं रहेगी आपको अपने प्रेजेंटेशन में समझाने में। तो अब हम न्यू स्लाइड फिर से लेंगे और उसमें हमारा अभी एक टॉपिक बचा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी अच्छे से टाइप करके लिख लेंगे। जैसे अभी आपने पिछले स्लाइड में टाइप किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे बुलेट का यूज करूँगा। बुलेट में यहाँ पे आप देखते हो छोटा सा गोला लग जाता है, एमएस ऑफिस, दूसरा एमएस ऑफिस हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये आपका सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्योंकि जब सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़ जाता है तब हमें उसमें अलग अलग प्रकार के जो चीज़ चलाना होता है उसके हिसाब से हमको उसमें एप्लीकेशन डालना होता है, तो इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी हमको यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे फोटोशॉप हो गया और यहाँ पे आपका ओपेरा हो गया, ये ब्राउजर हैं। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम लिखेंगे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम इतना ही रहने देते हैं। और हमारा ये भी स्लाइड कंप्लीट हो गई, इसको थोड़ा सा हमको भी डार्क कर देना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कलर वाले पे ए पे क्लिक करना है, उसके बाद इसे डार्क कर देना है, ब्लैक कर दिया। और यहाँ पे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रेड कर देंगे जैसे कि पिछले स्लाइड में हमने किया। थोड़ा सा हमारा सेम मतलब उसी तरीके से आपको एडजस्ट करके इसको सेट कर लेना है। यहाँ पे अब आपकी स्लाइड ये भी कंप्लीट हो गई। और लास्ट वाली स्लाइड पे आपको आपको ध्यान रखना है कि ये तो आपकी स्लाइड कंप्लीट हो गई है, लास्ट वाली स्लाइड पे आपको थैंक यू लिखना ना भूलें, क्योंकि लास्ट में आप जब प्रेजेंटेशन ख़त्म करते हो तो आप जैसे थैंक यू आपके स्लाइड पे आता है तो उससे समझ में आ जाता है आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया, तो इसलिए थैंक यू लास्ट में ज़रूर लिखें। और अब हमारी स्लाइड बनके तैयार हो गई है, तो अब इसको हम देखेंगे स्लाइड शो करके। तो आपको स्लाइड शो करके ही प्रेजेंटेशन देना है, यहाँ पे आपको स्लाइड शो में जाना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे आप अपना किस एनिमेशन भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी आपको एनिमेशन करके दिखा देता हूँ। आपको हर एक स्लाइड पे जाके उस पे आप एनिमेशन लगा सकते हो, तो आपको जैसा एनिमेशन पसंद है यहाँ से आप एनिमेशन कर सकते हो। बेसिक चीज़ें इतनी होती है जितने में जितना मैं इस वीडियो में बताया हूँ। यहाँ पे आप
इन बेसिक चीज़ों को यूज करके आराम से अपनी एक नॉर्मल सी स्लाइड बना सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी स्लाइड होती है। ज़्यादा उसमें आप चीज़ें अगर डाल देते हो तो बहुत मतलब अच्छा नहीं दिखता, इसलिए बेसिक सिंपल सी स्लाइड मैंने आपको इसमें बताया। उसमें एक का एक है दो एनिमेशन लगा सकते हो, आपको थोड़ा से स्लो रखना एनिमेशन को, और एनिमेशन जितना आप अच्छा कम लगाएंगे उतना बेटर है, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी एनिमेशन ज़्यादा लगा देने से क्या होता है, स्लाइड बहुत देर में खुलती है। तो यहाँ पे अब मैं आपको डिज़ाइन भी बता देता हूँ। डिज़ाइन आप जब आप बनाओ तो उसी टाइम आपको इसको एक डिज़ाइन चुन के तभी आप स्लाइड बनाओ, क्योंकि पहले से डिज़ाइन अगर नहीं चुनेंगे तो आपका फॉर्मेट चेंज होगा। अब यहाँ पे आप पिक्चर वगैरह भी अपने स्लाइड पे यूज कर सकते हो। पिक्चर का यूज मैंने नहीं बताया, मैं यहाँ पे आपको समझा देखता हूँ। पिक्चर पे जाना है, इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट के बाद पिक्चर, पिक्चर पे आप जैसे कोई भी पिक्चर आप उठाते हो तो यहाँ पे आपके स्लाइड में वो पिक्चर आ जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक पिक्चर को लगा के। यहाँ पे मैं एक एप्पल वाली पिक्चर उठा लेता हूँ, यहाँ पे ये इसको मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप ऐसे स्लाइड बना सकते हो, लेकिन मुझे अभी इस इमेज का कोई यूज नहीं, इसलिए मैं हटा देता हूँ। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी स्लाइड को, स्लाइड शो करके कैसी स्लाइड दिखेगी आपकी। तो यहाँ पे फ्रॉम बिगनर करोगे आप, यहाँ पे बिगनिंग पे यहाँ पे आपको स्लाइड शो हो गई स्टार्ट। तो यहाँ पे जैसे नेम आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन में आपका आएगा, और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे आपकी स्लाइड चेंज होगी। अब जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, तो पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या क्या आता है, रैम, मदरबोर्ड, SMPS, प्रोसेसर, CPU, पैन, मॉनिटर, ये सब आपका हार्डवेयर हो गया। उसके बाद सॉफ्टवेयर में आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी आपको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे आप जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडोज 10, 7, 8, मैक, लाइनक्स, एंड्रॉयड, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप में ऑफिस, माइक, गूगल क्रोम, फोटोशॉप, ओपेरा, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे लास्ट में थैंक यू। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।